Okay, so now let's move on uh, to the uh, discussion of uh, today's topic. Today, what we are going to do is that we are going to uh, deviate uh, slightly from our uh, course outline. Uh, it's, it's a slight deviation because what I'm going to do is that I am going to cover a topic uh, that, uh, that we were going to cover, I believe, in the uh, uh, 10th or 11th session. I am going to cover it earlier. Okay today uh, we were going to cover the uh, digital marketing but uh, i am not going to go through this topic today rather i am going to go through the topic of the knowledge management systems and technologies first and then we shall cover the other topic as well okay okay ji so let's begin and uh, okay so i hope that uh, this uh, screen is visible to you now okay can you see the screen

मैरिज सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन बेस स्टडीज बेसिकली रिसर्च पेपर ठीक है तो उसमें पे, पेपर में जो हम करेंगे ये कि जनाब कि इसमें जो रेलिवेंट पार्ट्स हैं उन रेलिवेंट पार्ट्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है और इसके बाद जो है रेलिवेंट पार्ट है उसको जो है बेसिकली हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है उसको जो हम छोड़ देंगे तो जनाब अगर हम बात करें नॉलेज की वॉट इज़ नॉलेज ठीक है अवेयरनेस ऑफ सम वन और समथिंग ठीक है अब वो सम वन और समथिंग मिसाल के तौर पर जो है अगर ये मैं ये कहूँगा जनाब की मुझे पता है कि जनाब

एंड अवेयरनेस ऑफ ठीक है नॉलेज की ठीक है अब इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं तो जना अब अगर आप अपनी जो आ, ये जो रीडिंग है ठीक है जो आपके पास सामने फ्लैश है स्क्रीन पे उसको अगर आप देखें

इंपॉर्टेंट नहीं है इवन स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस जो है वो भी एक यूनिक नॉलेज अगर उनके पास है तो उसको तो बेनिफिट उठा सकते हैं नॉलेज इज हाव अवर इन टेंजेबल बाउंड्रीलेस कॉन्टेक्सिफिक रिलेशनल डायनामिक एंड ह्यूमनिस्टिक ठीक है जी तो अब यहाँ पे ऑथर जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है नॉलेज की डायमेंशन नॉलेज के स्पेसिफिक पैरामीटर पहली चीज जो है वो ये कि नॉलेज इन टेंजेबल है ठीक है टेंजिबल नहीं है यू कैन नॉट टच नॉलेज ठीक है नॉलेज इज़ बाउंड्रीलेस ठीक है नॉलेज की कोई बाउंड्रीज नहीं होती ठीक है थीके? आप मिसाल के तौर पर यह नहीं कह सकते कि मुझे जो जिन चीज़ों की नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर सकती हैं हो सकता है कि आपके पास इस ऑर्गेनाइजेशन या फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान पाकिस्तान में बैठे हुए हैं आपको पाकिस्तान की नॉलेज तो है लेकिन आपको पाकिस्तान से बाहर की भी नॉलेज हो सकती है ठीक है नॉलेज इज़ कॉन्टेक्स स्पेसिफिक ठीक है मिसाल के तौर पर जो है अगर आप ये कहते हैं जनाब के मुझे जो है वो किसी चीज़ के बारे में जो है वो इल है ठीक है तो वो जो आपका जो इल्म है आपकी नॉलेज है ठीक है मिसाल तौर तो पर आपने क्या जना मुझे पता है क्रॉप का जो ईल्ड है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है लेकिन क्रॉप का जो ईल्ड आप बढ़ा सकते हैं इट कैन चेंज वन कॉन्टेक्स टू अनदर मिसाल के तौर तो पर जो है पाकिस्तान बढ़ाने के लिए आप जो तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है कि वो तरीकाकार पाकिस्तान में इस्तेमाल हो लेकिन इंडिया में या फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में जो है वो तरीका कार्तेमाल ना हो गए जिस तरह से पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है सो वंस अगेन नॉलेज इज कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज इज रिलेशनल ठीक है आपके पास जो है वो अगर किसी चीज़ की नॉलेज है तो हमेशा याद रखिएगा कि एवरी थिंग इज कनेक्टेड विद अनदर थिंग ठीक है सो नॉलेज ऑफ सम थिंग विल ऑलवेज भी कनेक्टेड विद नॉलेज ऑफ अनदर थिंग ठीक है नॉलेज इज डायनामिक इट इज नॉट स्टैटिक ठीक है आप ये नहीं कह सकते के कि कि ना अगर आपको किसी चीज़ का जो है पता है तो वो नॉलेज जो है वो कम्प्लीट uh, है ठीक है यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स एंड यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फॉर न्यू क्वेश्चंस एंड यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन ठीक है then knowledge is humanistic आप नॉलेज को जो है वो कोडिफाई कर सकते हैं रिटर्न फॉर्मेट में जो है वो रख सकते हैं आप कंप्यूटर्स को जो है फीड कर सकते हैं लेकिन याद रखिएगा कि जो इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट आई है ठीक है वो उसी वक्त पॉसिबल होता है कि जब यह आपका जो नॉलेज मैनेजमेंट का जो सिस्टम है ठीक है उसके अंदर जो है वो ह्यूमन बींग इन्वॉल्व हो जब तक जो है वो ह्यूमन बींग इन्वॉल्व नहीं होंगे आप जो है मशीन को जो है इन्वॉल्व करके जो है वो इफेक्टिव uh, मैनेजमेंट करना चाहेंगे जनाब इफेक्टिव नॉलेजमेंट के लिए जो है वो आपको या फॉर एग्जाम्पल उस नॉलेज पास यूनिक नॉलेज है उस यूनिक से जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पेटिव एडवाटेज गेन करने के लिए यू विल है इन दिस प्रोसेस अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अचीव कॉम्पेटिव एडवांटेज इन ऑर्गेनाइजेशन इट इज फ्रिक्वेंटली एम्बेडेड विद इन ऑर्गेइजेशन प्रोसेस एंड रूटीन ठीक है अब मिसाल के तौर तो पर जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट है नॉलेज मैनेजमेंट जो है पार्ट ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड रूटीस फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ठीक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस में भी जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट हो रही होती है किस तरह से हो रही होती है मिसाल के तौर तो पर जो है वह जब आप नए लोगों को हायर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो जो रहा है

नॉलेज को जो है वो हासिल करना ऑफ कोर्स आसान काम जो है वो नहीं होता ठीक है इट टेक्स टाइम टू एक्चुअली गेट सम यूनिक नॉलेज दैट कैन गिव यू सम कॉम्पेटिव एडवान्टज ठीक है इसके बाद जो है वो जनाब नॉलेज को ट्रांसफ़र करना हमेशा एक आसान काम जो है वो नहीं होता मिसाल तौर तो पर जो है वो एक साहब है जो एक पर्टिकुलर पोस्ट पर जो है वो पिछले बीस साल से जो है काम कर रहे हैं अब अगर आप ये चाहते हैं कि जनाब उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएँ ठीक है अब तो और अगर वो रिटायर होने के लिए जा रहे हैं तो उसका मतलब जो है वो ये होगा कि इनके नॉलेज को जो है वो आपने ट्रांसफर करना होगा अब नॉलेज को ट्रांसफर करने का तरीका कार्ड जो है वो ये है जनाब कि आप जो है वो या तो इनका इनकी सक्सेशन प्लानिंग करेंगे किसी दूसरे साहब को लेकर आएंगे और उसके बाद आप उनको कहेंगे कि जनाब इनको आप ट्रेन करें वंस अगेन दैट वुड बी द नॉलेज ट्रांसफर बट दिस प्रोसेस कैन नॉट बी वेरी स्मूथ इट कैन टेक टाइम एंड इट मे नॉट बीफेटिव एट एट ऑल इमिटेट एंड ट्रांजेक्ट ठीक है अब नॉलेज को जो है अगर आपने जो है फॉर एग्जाम्पल कॉपी करना है नॉलेज को कॉपी करना भी आसान काम नहीं है मिसाल के तौर तो पर साहब की मैंने बात की अगर वो नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं है ठीक है तो उसका तरीका तरीकाकार क्या होगा अगर मैं उनके नॉलेज को जो है वो ट्रांसफर करवाना चाहूँगा मैं उनके नॉलेज को इमिटेट करूँगा इमिटेट का मतलब जो है वो ये कि उसकी कॉपी क्रिएट करना चाहूँगा कॉपी क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा मे बी वट आई कैन डू दैट आई कैन ऑब्जर्व इज बिहेवियर आई आई कैन ऑब्जर्व हिज वर्क ठीक है लेकिन क्या उनको ऑब्जर्व करके उनके काम को करने के तरीके को ऑब्जर्व करके क्या उनके पास जो नॉलेज है उसको मैं कॉपी कर सकता हूँ या उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ मे और मे नॉट बी पॉसिबल ठीक है ट्रांजेक्ट नॉलेज की ट्रांजेक्शन कैसे होगी ट्रांजेक्शन करने का मतलब जो है वो ये है कि जनाब के एक आपके पास जो पीस ऑफ नॉलेज मौजूद है ड्यूरिंग नॉलेज मौजूद है ठीक है अगर आप उसको ट्रेड करना चाहें विद समवन एल्स ठीक है तो अब जनाब आप इस बात को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे पास जो नॉलेज है उसकी क्या वैल्यू है ठीक है और जो दूसरे आदमी के पास जो नॉलेज है उसकी क्या वैल्यू है सो दैट वी कैन डिटरमाइन दैट कि जो हम ट्रांजेक्शन करने के लिए जा रहे हैं ये ट्रांजेक्शन जो है वो हमारे बेनिफिट में होगी या नहीं होगी ठीक है these are all the reasons because of which we say that the effective knowledge management is critical and central to organization success again okay. moving forward to enhance the effectiveness and efficiency of knowledge management many organizations utilize information and communication technologies to implement knowledge management systems such systems are designed specifically to facilitate and support the organizational process of knowledge creation storage

प्रोवाइड करता है, है, ठीक लेकिन इसके साथ साथ आपको ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटरप्राइज़ इन्फॉर्मेशन सिस्टम ठीक है system, क्यों ऐसा होता है उसकी वजह जो है वो ये होती है देर आर मल्टीपल रीजन पहला रीजन जो अबाउट नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटपुट्स ठीक है एक एंटरप्राइज सिस्टम को जब आप होते हैं तो वहाँ पर आपके पास बड़ी क्लियर जो, जो है वो आपके पास जो है वो स्पेसिफिकेशन होती है कि जनाब आपके इनपुट क्या होगी प्रोसेस क्या होगा आउटपुट क्या होगी ठीक है लेकिन जब आप नॉलेज मैनेजमेंट की आप बात करें तो नॉलेज के बारे में हम ऑलरेडी जो है बात कर चुके हैं कि इसके जो है मल्टीपल पैरामीटर्स है ठीक है तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जब आप नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की आप बात करेंगे तो इन मेनी ऑफ द केसेज यू विल नॉट हैव एट है एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ठीक है कि जनाब के इनपुट्स क्या होंगी इसका जो है वो प्रोसेस किसा से होगा और इसका आउटपुट क्या होगा ठीक है

एक्टिवेटेड द कैमरा टर्न ऑफ द कैमरा ओके जी इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनाब बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज एंड मैनेजमेंट सिस्टमेशन सिस्टम नो डाउट अबाउट अगेन याद रखिएगा एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम मे और मे नॉट यूज द कंप्यूटर ठीक है सो यू मे हैव अज मैनेजमेंट सिस्टम इन विच दी इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इज मैनुअल and does not require the use of computers or information technology however, however if you do not use information technology to implement a knowledge management system especially in the large organizations it will almost almost be impossible for you to effectively effectively use this unique knowledge that you have gathered to gain the competitive advantage okay?

अब यहाँ पे बता रहा है कि जनाब कि आपका जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है उसके तीन इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम नॉलेज रिपोजिटरीज़, नॉलेज मैप्स एंड है अब इनको हम देखते हैं जनाब वन बाई वन के ये क्या होते हैं सो so, जब नॉलेजिटरीज की अगर हम बात करते हैं तो नॉलेज रिपोर्टिटरीज आर The most common type of knowledge management system. Okay. And these knowledge repositories emphasize the codification and storage of knowledge to facilitate knowledge reuse. Okay. Knowledge repositories preserve organizational memory and provide functions for capturing, generating, organizing, searching, driving, and using knowledge and information. कंप्राइज डेटाबेस डॉक्यूमेंट बेस्ट प्रैक्टिस एक्सपीरियंस अदर क्वालिफाइड नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट ठीक है तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमने क्या देखी कि हम बात करें ना ये नॉलेज डिपॉजिटिव जो है अपने जो है डेटाबेस है, है और इन डेटा बेस में जो है वो हमने मल्टीपल चीजें जो है स्टोर की हुई है बेस्ट प्रैक्टिस एंड सो मनी थिंग्स ओके

वो अपना जो काम है उसको बेहतर कर सकते हैं ठीक है बिकॉज दे विल नॉट द बेस्ट वे टू डू द नॉलेज अबाउट कैन प्रिजर्व ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी एंड प्रोवाइड फंक्शन फॉर कैप्चरिंग जनरेटिंग ऑर्गेनाइजिंग सर्चिंग रिट्राइविंग एंड यूजिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन द productive मेक यूज ऑफ This एंड what I आई जस्ट डिस्क्राइब टू यू second फीचर इज द नॉलेज मैप ठीक है knowledge map is also called expert directories these knowledge maps are searchable indexes or catalogs of expertise held by individual employees knowledge maps provide a means of finding and contacting individuals who hold specialized knowledge and experience okay तो अब नॉलेज मैप्स क्या करेंगे नॉलेज मैप्स में बुनियाद तौर पर जो है वो आप इंडेस या कैटलॉग्स क्रिएट करते हैं कि जनाब जिसमें आप ये डिस्क्राइब करते हैं कि जनाब हमारे पास जो है वो कौन से इंडिविजुअल इंप्लॉइज़ हैं कि जिनके पास जो है पर, कौन सी जो है वो पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ हैं ठीक है ठीके? तो मिसाल तौर पर जो है अगर मुझे ये देखना हो कि जनाब कि मुझे जो है वो आ, कोई पर्टिकुलर जो है वो टास्क मेरे पास है ठीक है उस टास्क में जो है मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास जो है ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं कि जिनसे जो है मुझे हेल्प मिल सकती है ठीक so है सो व्हाट यू यू विल 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 डू इज दैट एक्चुअली एक्चुअली क्रिएट अ अ नॉलेज मैप व्हिच बी कैटलॉग आप लिस्ट करेंगे कि जनाब ये पर्टिकुलर एक्सपर्टीज है ठीक है और ये पर्टिकुलर एक्सपर्टीज जो है इन इन लोगों के पास है अब एक छोटी ऑर्गुनाइजेशन में तो हम कहेंगे कि जरा ये जो मैप है शायद ये इतना हेल्पुल ना हो बट इमेजिन दैट इफ़ यू है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है कि जिसका जो बिजनेस है वो सारी दुनिया में जो है फैला हुआ है और यहाँ पे जो तो सिमेंस की बात कर लेते हैं तो सिमेंस में अगर जो है नॉलेज मैप मौजूद नहीं है ठीक है और मैं जो है वो सीमेंस के फॉर एग्जांपल सिमेंस पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मुझे जो है फॉर एग्जांपल से आर पी को इम्प्लीमेंट कोई मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है वो कोई हेल्प मिल जाए तो अब अगर जो है वो मेरे पास जो है वो नॉलेज मैं मौजूद नहीं है तो मुझे पता नहीं होगा मिसाल तौर पर सिम्स में जो है वो कितने ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कि जो है वो ई आर पी का जो मॉड्यूल जिसको मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहा हूँ उसमें जो है स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं एक्सपर्टीज रखते हैं ठीक है

अच्छा जब हम नॉलेज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नॉलेज मैनेजमेंट में जो है जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नॉलेज मैनेजमेंट इज ह्यूमनिस्टिक ठीक है जब तक जो है मतलब अगर आप कंप्यूटर्स को जो है वो आप में आप जो है इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर दें एक्सपर्ट सिस्टम एक बना दें ठीक है जैसे कि टाको ने भी जो किया था ठीक है लेकिन कंप्यूटर्स की नॉलेज शेयरिंग और कंप्यूटर के साथ जो इंट्रैक्शन ह्यूमन बींग्स की होती है ठीक है वो एक उसकी एक लिमिट है ठीक है

If so it will be actually very uh, very difficult for you to actually connect the two people. The first is the knowledge seeker and the other is the knowledge providers. Now the author say that the uh, knowledge maps and collaborative tools correspond to the network knowledge management approach, also known as the personalized knowledge management approach that emphasizes the linkage interaction and dialogue among people for purpose of knowledge exchange. अच्छा अब ऑथर ये कहता है कि जनाब के जो आपके जो नॉलेज मैप्स हैं और जो कोलेबरेटिव टूल्स हैं ठीक है ये एक इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं टूल्स हैं या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं पर्सनलाइज नेटवर्क के एम अप्रोच के ठीक है नेटवर्क के एम अप्रोच क्या होती है नेटवर्क के एम अप्रोच का मतलब जो है वो ये है कि अब आज जो लोग हैं ठीक है दे इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर शेयर देयर नॉलेज इन ऑर्डर टू इनहस द नॉलेज ऑफ ईच अदर फॉर टू अचीव अ पर्टिकुलर बेनिफिट और टू अचीव अ पर्टिकुलर टारगेट ठीक है तो अगर आपके पास जो है वो एक नेटवर्क नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है तो उसका मतलब जो है वह होगा कि यू विल नीड द नॉलेज मैप एंड नीड द कोलेबरेटिव टूस अदरवाइज द नॉलेज सीकर नॉलेजर्स एंडिलेटेक्टिव नॉलेजमेंट कैन नॉट अकर तो एक टूल ये बताता है कि जनाब की एक्सपर्टीज कहाँ पर लोकेटेड लोकेट है और दूसरा जो टूल है वो इस बात को पॉसिबल करता है कि अब आप उन लोगों के साथ इंट्रैक्ट कर सकते हैं अच्छा ये जो आपके सामने जो डायग्राम है दिस डायफकोर्स इट विल मतलब तो तो बहुत ही अनरियलिस्टिक होगा आपके लिए एक्सपेक्ट करना कि के ये आपको डायग्राम जो है वो एग्जाम में जो है बनाने के लिए दी जाएगी बट नन दैस यू शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली वर्क है तो एक नॉलेज ऑर्गेनाइजर होता है एक नॉलेज यूजर है एक नॉलेज प्रोड्यूसर है एक नॉलेज होल्डर है ठीक है और एक नॉलेज मैनेजर है तो बीच में जो है ये आपके नॉलेज रिपोर्जरी है ठीक है तो नॉलेज मैनेजर का, का काम जो है वो क्या है कि इस नॉलेज रिपोर्जरी तक का जो एक्सेस है उसको मैनेज करना नॉलेज और ऑर्गेनाइजर जो है वो रिपोर्टिटी का जो एक्सेस है उसे ऑर्गेनाइज करता है मतलब कितने लोग कब एक्स जो है वो उसको एक्सेस करेंगे एंड सो ऑन ठीक है का है जो एक्सेस मैनेजमेंट वो नॉलेज मैनेजर का काम है नॉलेज यूजर जो है वो इस नॉलेज नॉलेजिटरी को यूज करता है नॉलेज प्रोड्यूसर जो है वो जनरेट करता है नॉलेज के जो कि इस नॉलेज नॉलेजिटरी में एडअप हो सकती है ठीक है और नॉलेज होल्डर जो होता है वो कैप्चर करता है उस नॉलेज को के जो कि इस नॉलेज नॉलेजिटी में ऐड हो सकती है

आई टी इनोवेशन एडोप्शन प्रोसेस the processes can be simplified into two main stages. स्टेजेस <coughs> तो जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको जो है वो आप दो स्टेजेस में जो है डिवाइड कर सकते हैं एक है प्री एडॉप्शन और एक है पोस्ट एडॉप्शन, ठीक है याद रखिएगा नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन को दो स्टेज में डिवाइड किया जा सकता है एक है जनाब प्री एडोपन और दूसरी है पोस्ट अडोप्शन ठीक है ओके Pre adoption stage companies gather and evaluate information related to knowledge management system and then make a decision about whether or not to adopt or implement knowledge management system. When the companies decide to formally go ahead, knowledge management system development will enter the post adoption stage. The companies will build up project teams, implement and deploy knowledge management system, access the knowledge management system success and benefits.

ओके जी अब पे जो है वो ऑथर जो है हम बता क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ठीक है सो यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट कुड बी सम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नॉलेज मैनेजमेंट फॉर दी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ठीक है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं मैनेजमेंट लीडरशिप एंड सपोर्ट कल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी एंड परपज मेजरमेंट ऑर्गेजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस एंड एक्टिविटीज मोटिवेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्समेंट नाउस अगेन ये जो फैक्टर्स है यू यूनिट रिमेंबर दैट ठीक है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं के जो कि एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट uh, कर सकते हैं ठीक है सिमिलरली देर आर समर फैक्टर्स है

uh <clears throat> implementation of knowledge management system is likely to succeed so you need to remember that uh, okay uh. टू यूज ठीक है अच्छा अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जनाब के जब हम नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है थीके? तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जो नॉलेज सीकरस को इम्पैक्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? या कि हम ये कहें कि जनाब के वो कौन से फैक्टर्स होंगे कौन से वेरिएबल्स होंगे ठीक है कि जो कि अगर प्रेजेंट हैं तो नॉलेज सीकर जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो इस्तेमाल करना चाहेगा ठीक है तो देर आर कपल है? ये वो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है थीके? कि जो कि अगर मौजूद है तो नॉलेज सीकर जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहेगा आज इन इस चीज को जो आप जहर कि जो कि जो तो में रखिएगा तो वो दिस क्वेश्चन है

तो अब इसमें जो एक फैक्टर होता है उसको हम कहते हैं आप कॉम्पेटिबिलिटी ठीक है कॉम्पेटिबिलिटी इज वॉट इट इज द एक्सटेंट टू विच एन इनोवेशन इज एज कंसिस्टेंट विद द वर्क स्टाइल वैल्यूज एक्सपीरियंस एंड एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ पोटेंशियल इम्प्लीमेंटर्स ठीक है तो पहली चीज जो है वो ये कि आपका जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है ठीक है वो उस मतलब ये सिस्टम जो है ठीक है वो कॉम्पेटेबल होना चाहिए कॉम्पेटेबल का मतलब जो है वो ये है कि जनाब कि ये जो आपका जो एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वर्क स्टाइल है वैल्यूज है ठीक है उसके साथ वो तो मैच करे ऐसा ना हो कि जनाब के आप जो है फॉर एग्जाम्पल जो सिस्टम आप लेकर आ रहे हैं वो सिस्टम जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से वर्क स्टाइल से अगर मैच ही नहीं करता तो उस वक्त में सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा ठीक है सिमिलरली सिमिलरली सफिशेंट रिसोर्स ठीक है अब सफिशेंट रिसोर्स क्या होती है जनाब सफिशेंट टू द डिग्री टू विच रिलेटेड रिसोर्सिस फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इनोवेशन आर परसीव टू बी प्लेंटिफुल एंड साउंड

अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस नहीं है ठीक है मैंने पहले ही बात की थी अगर इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट गोइंग टू बी सक्सीडनाइजेशन कल्चर इफ दर्गनाइजेशन कल्चर इज नॉट सपोर्टिव ठीक है फॉर uh, एग्जाम्पल आपके पास जो कल्चर है वो ये कहना आपके बहुत से जो है, काम ही करते चले आ रहे हैं ठीक है तो अब अगर एज और

इसके बाद जो है वो जनाब बाकी इस रीडिंग में जो है वो बेसिकली रिसर्च रिजल्ट्स बाकी तमाम चीजें विच आर नॉट रेलेवेंट टू तो आवर डिस्कशन ठीक है सो यू यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव গন थ्रू ऑल द एट लीस्ट यू हैव গন थ्रू ऑल द हाइलाइटेड पोर्शंस ऑफ दिस आर्टिकल एंड यू शुड आल्सो रीड सम अदर टेक्स्ट बिहाइंड द साइड दी हाइलाइट आर्टिकल बिकॉज़

एक मोटर मैके आप एग्जाम्पल ले लें एक जो कि पिछले बीस साल से जो है गाड़ियाँ गा ठीक कर रहा है ठीक है अब उसके पास जो नॉलेज है ठीक है कि जनाब गाड़ी में जो है किस किस तरह के जो है फॉल्ट होते हैं किस किस तरह के की जो है प्रॉब्लम जो है आ सकती है उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है ठीक है थीके? मतलब आप जो है, है इमेजन करें कि एक ट्वेंटी ईयर्स एक्सपीरियंस कार मैकेनिक के बाद अगर आप कार लेके जाए और वो आपसे सिंपली कहेगा जनाब जना जस्ट स्टार्ट द इंजन एंड बाई हियरिंग द साउंड ऑफ द इंजन ही शी कैन टेल यू दैट कुड बी द पॉसिबल प्रॉब्लम

मैनुअल डेवलप किया जना हमने जो है वो ई आर पी सिस्टम जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है ठीक है नाउ दैट मैनुअलिकलीट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस दैट एनी वन इम्प्लीमेंटिंग दर पी सिस्टम शुड फॉलो सो ना दिस इज दाइप ऑफ नॉलेज ठीक है जिसको जो है वो आप कोडिफाई कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं और इसके बाद उसको कंप्यूटर में भी आप सेव कर सकते हैं और लोगों के लिए जो है बेसिकली एक नस्बता जो है वो आसान होगा इस नॉलेज को जो है वो मतलब इस्तेमाल कर सकें अपने अपने बैटरी यूज़ के लिए ठीक है सो रिमेंबर दैट दी टू टाइप्स ऑफ नॉलेज दी इम्प्लेसड एंड एक्सप्लेसड ठीक है इम्प्लेसड नॉलेज को जो है वो कोडिफाई करना सेव करना इसके बाद उसको ट्रांसफर करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क ठीक है और उसके बाद जो दूसरी नॉलेज है एक्सप्लेसड नॉलेज ठीक है उसको जो है वो कोडिफ़ाई करना सेव करना ट्रांसफर करना आपके लिए आसान काम होता है ये जो रीडिंग uh, है वो रीडिंग आपको ये बता रही है कि जनाब के हर कंपनी जो है वो बुनियाद तौर पर दोनों टाइप ऑफ नॉलेज को जो है वो इस्तेमाल uh, जो है वो <coughs> नहीं करती किसी एक टाइप ऑफ नॉलेज पर जो है वो उसका फोकस जो है ज्यादा होता है और जो दूसरी टाइप ऑफ नॉलेज है उसके ऊपर जो है वो लेस होता है अगर आप जो है वो दोनों टाइप ऑफ नॉलेज के ऊपर जो है वो एक साथ जो है वो फोकस करने की कोशिश करेंगे और अपने पास जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है ठीक है उनको इस तरह से डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि वो दोनों टाइप्स ऑफ नॉलेज को जो है वो अकोमोडेट कर सकें एट द सेम टाइम इट इज फॉर यू ठीक है और उसके बाद जो है वो इस आर्टिकल में जो है कि वाई दैट है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड ओके अब ये वही नॉलेज मैनेजमेंट की शुरू में से बात की है कि आपके नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो नई चीज़ जो है वो नई है ठीक है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़माने से जो है वो नॉलेज के ऊपर जो है वो फोकस था लेकिन नाइनटीन नाइनटीज में जो है जब कंपनीज के चीफ एग्जीकटिव ने जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में जो है वो बात करनी शुरू की है तो अब नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली अब सेंट्रल स्टेज पर जो है वो आ गया है ठीक है सिमिलरली जो फॉर एग्जाम्पल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो अराइवल है ठीक है और जो नेटवर्क कंप्यूटर्स हैं पावरफुल कंप्यूटर्स जब माम अवेलेबल हैं सो नाउ द आर थिंकिंग दर्गनाइजेश जनाब के हमारे पास जो एक वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज जो एग्जिस्ट करती है ऑर्गनाइजेशन में ठीक है उसको जो है वो हम किस तरह से जो है वो नॉलेज और में जो है हम ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी हमारे जो बेसिकली जो करंट एम्प्लॉज हैं जो फ्यूचर एम्प्लॉइज हैं वो उस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकें फॉर देयर फॉर द बेटर यूज ऑफ देयर जॉब ठीक है अच्छा इसके बाद वो कहता है जनाब सिंस नॉलेज मैनेजमेंट एज अ

the consulting firms and then they have mapped these practices of the knowledge management practices of consulting firms to other sectors to see that uh, if there are any differences or jo sir jo authors ne jo find out kiya wo ye hai ki janab ke jo consulting firms ki jo knowledge management practices hoti hain wo almost similarly jo hai wo usi tarike apply ki jati hain dusre sectors mein अब consulting firms को जो है वो उन्होंने जो है वो reading में क्यों select किया है knowledge management uh, success models को discuss करने के लिए उसकी वजह जो है वो ये है कि कंसल्टिंग फर्म इनहेरेंटली आर नॉलेज इंटेंसिव ठीक है उनका काम ही जो है वो ये होता है कि जनाब के ये जो जो डिफरेंट ऑर्गनाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं उन उनगनाइजेशन प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन जो है वो उनको प्रपोज करना होता है तो सोलूशन को प्रपोज करने के लिए ऑफकोर्स दे नीड नॉलेज अब कई जगह पर जो है वो जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जिनके लिए जो है वो स्टैंडर्ड सल्यूशन रिक्वायर्ड होते हैं और कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिनके लिए जो है आपको क्रिएटिव या इनोवेटिव सोल्यूशन रिक्वायर्ड होते हैं तो जो पहली टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है कि जहाँ पर जो है आपको स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर जो है वो जैसे कि मैंने पहले ही बात की थी यू विल नीड एक्सप्लिसिट नॉलेज ठीक है जैसे आपके पास मैनअल हो गए बेस्ट प्रैक्टिस इसके बाद जो दूसरी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है कि जिसमें आपको इनोवेटिव सोल्यूशन जो है रिक्वायर्ड है ठीक है उसके लिए जो है यू विल नीड इम्प्लेसिड नॉलेज ठीक है आपको एक्सपर्ट लोगों को जो है वो आपको बेसिकली जो है इन करना पड़ेगा उनके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा ठीक है उनके साथ ब्रेन करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कम अप एन इनोवेटिव सोल्यूशन क्रिएटिव सोल्यूशन फॉर 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 अ न्यू प्रॉब्लम दैट दर्गनाइजेशन इज फेसिंग वेयर द स्टैंडर्ड सोल्यूशन मे और मे नॉट वर्क ठीक है अच्छा अब इसके बाद वो यहां पे बात आ, करता है कि जनाब के दो स्ट्रेटजीज हैं ठीक है एक स्ट्रेटजी क्या है कोडिफिकेशन स्ट्रेटजी ठीक है क्विफिकेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है जनाब नॉलेज इज केयरफुली एंड स्टोर्ड इन डाटा बेसिसन इन द कंपनी दंपनी है पहले बात आपको बताया था ठीक है कि ऐसी नॉलेज से क्वॉडिफाई कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं ठीक है उसको जो है वो आप नॉलेज रिपोर्टिटरी में जो है वो आप एड कर देते हैं इसके बाद जो दूसरी जो स्ट्रेटजी होती है वो क्या है जनाब इसमें आप क्या कहते हैं नॉलेज इज क्लोजली टाइड टू द पर्सन हु डेवलप्ड इट एंड इट इज शेयर्ड मेनली थ्रू डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन

और जो दूसरी स्ट्रेटजी है codification strategy. Codification strategy the, uh, अच्छा अब ऑथर जो है वो ये बताता है हमको कि ये जो दो स्ट्रेटजीज हैं ठीक है थीके? ये सिर्फ और सिर्फ जो है कंसल्टिंग बिजनेस तक महदूद जो है वो नहीं है ये स्ट्रेटजीज जो है ये बाकी जो इंडस्ट्रीज है बाकी जो सेक्टर्स है उसमें भी जो है वो इस्तेमाल होती हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेस करता है रीडिंग में वो ये रेस करता है कि कि जनाब हमको कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच स्ट्रेटी शुड बी यूज ठीक है शुड बी दी स्ट्रेटजी और शुड बी यूज दी पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी ठीक है तो अब यहां पे वो कहता है कि जनाब कि आपको डिसाइड करना पड़ता है खुद से कि जनाब के uh, आपके पास जो है वो मेजोरिटी ऑफ द नॉलेज है ठीक है वो कौन सी है Implicit है इंप्लिसिट या एक्सप्लिसिट है ठीक है एंड बेस्ड अपॉन दैट देन यू डिसाइड कि जनाब की मुझे जो है वो कौन सी स्ट्रेटजी जो है डोमिनेंटली इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो कम इस्तेमाल करनी चाहिए जिसको यहाँ पे जो है उसने डिस्क्राइब किया एट्टी ट्वेंटी रूल की तरह कि मिसाल के तौर पर अगर आप ये समझते हैं कि जनाब आपके पास जो बहुत सारी जो नॉलेज है वो बेसिकली जो है वो इम्प्लिसिड है ठीक है तो उस सूरत में जो है वो आपकी जो डोमिनेंट नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होगी वो जनाब पर्सनलाइजेशन ठीक है तो हम कह सकते हैं जनाबकि एट्टी परसेंट ऑफ द फोकस ऑफ अवर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम वुड बी ऑन द इम्प्लेसड नॉलेज ठीक है यूजिंग द पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी एंड 20% परसेंट ऑफ द फोकस ऑफ अवर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम विल बी ऑन द कोडिफिकेशन स्ट्रेटजी दैट इज द एक्सप्लेसिड नॉलेज ठीक है तो लेकिन अगर आप एक ही वक्त में जो है वो दोनों स्टडीज के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे दोनों स्ट्रेटजीज को जो है वो सिमिलर वेट जो है अगर आप देने की कोशिश करेंगे

सोल्यूशन स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकते ठीक है ठीके? लेकिन अगर सोल्यूशन जो है वो यूनिक है ठीक है? और इसमें जो है वो ज़रूरी है, तो इसका मतलब है कि charge, uh, uh, अगर हम बात करते हैं कि personalization, personalization strategy, person person, यहाँ पे जो सोल्यूशन आप क्रिएट करेंगे या जो नॉलेज मैनेजमेंट करेंगे ये होगी

क्वालिफिकेशन uh, स्ट्रेटजी में जो है वो आप बुनियाद तौर पर जो है वो अगर अपनी टीम में जो है लोगों को ऐड करना चाहते हैं सो यू हायर न्यू कॉलेज ग्रेजुएट्स ठीक है हु आर वेल टू द ऑफ नॉलेज ठीक है मतलब ऐसे लोग हायर करते हैं कि जिनको जो है मिसाल के तौर पर जो जो बनी बनाई जो बेसिकली जो नॉलेज है उसको जो है री यूज कर सकें और सोल्यूशन को इंप्लीमेंट कर सके लेकिन जब अब आप ऐसे नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं कि जहां पर जो है नॉलेज है ठीक है या पर्सनलाइजेशन स्टेडजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर जो है वो आप एम पर एस या एडवांस डिग्री होल्डर्स को जो है हायर है करते हैं कि जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है वो बेसिकली uh, जो है वो पसंद करते हैं ठीक है और अनसर्टेन सिचुएशन में क्रिएटिवली जो है वो सोच सकते हैं ठीक है आप लोगों को आप ऐसे लोगों को ट्रेन करते हैं ठीक है थ्रू वन टू वन इंट्रैक्शन ठीक है अब इसके बाद जो है उन्होंने नीचे से कुछ एग्जाम्पल दिए जनाब के कंसल्टिंग फर्म्स की कि कौन सी कंसल्टिंग फर्म है कि जो कि कोडिफिकेशन स्ट्रेटजी इस्तेमाल करती है और कौन सी कंसल्टिंग फर्म है कि जो कि पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटी जो है इस्तेमाल करती है ठीक है इसके बाद जनाब यहाँ पे जो है हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जनाब के जो डिफरेंट जो आ, आपके जो कंसल्टिंग फॉर्म हैं ठीक है उन्होंने जो है वो पर्सनलाइजेशन <coughs> स्ट्रेटजीज को जो है उन्होंने किस तरह से जो है वो इस्तेमाल किया है ठीक है आई हैव हैव दिस पोर्शंस सो दैट यू यू कैन कैन यूज एंड अ डिटेल लुक ओके नाउ डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिफरेंट ड्राइवर्स अब वही कहता है जनाब जब जब तो, uh, state, knowledge knowledge strategy, model, कि जब आप एक पर्टिकुलर नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को जो है ठीक है तो इट क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स हाउट वैल्यू सपोर्ट्स एन इकनॉमिक मॉडल एंड हाउटनी पीपल डिलीवर ऑन द वैल्यू एंड द इकोमिक्स ठीक है अब वो कहता है आप जो भी नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है ठीक है

उसकी इकोनॉमिक वर्थ जो है वो क्या होगी ठीक है जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि जनाब के एक अगर आप क्वालिफिकेशन स्ट्रेटजी में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आप स्टैंडर्ड सल्यूशन जो है उनकी हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड सलूशन का मतलब जो है वो ये हुआ कि दे मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू अ हाई प्राइस ट्रैक प्राइस ट्रैक ठीक है कस्टमर को जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जो है वो प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते क्यों क्योंकि सोल्यूशन जो है वो आप जो उनको दे रहे हैं वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है लेकिन अगर आप एक पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी की तरफ आप जा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर जो नॉलेज आप मैनेज करने की बात कर रहे हैं वो ब्लिसिट है

कहने का मतलब जो है वो ये है कि जनाब के आपने जो भी नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटी जो अडॉप्ट की है ठीक है अब जो आपके पास जो लोग हैं ठीक है ये देखना जो है बहुत जरूरी है कि जनाब के वो जो लोग हैं वो इस नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से जो वैल्यू जो अब आपके पास को मिल रही है ठीक है उसको किस तरह से डिलीवर करते हैं और जो इकोनॉमिक वर्थ है ठीक है उसको जो है किस तरह अचीव करते हैं ओके ना <coughs> इसके बाद जो है जो एक और इम्पोर्टेंट बात जो है उन्होंने यहाँ पे की है ठीक है ना फ्राम हेल्थ केयर टू हाईटैक ठीक है अब जो नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसज या स्टडीज की हमने बात की है ठीक है इस पर्टुलर पोर्शन में जो है वो ये बात कर रहा है कि जनाब के ये जो कंसल्टिंग फर्म की प्रैक्टिस हैं ठीक है दे दीज प्रैक्टिस सेम प्रैक्टिस और सेम स्टडीज अपलाइड इन मल्टीपल सेक्टर इंक्लूडिंग दी हेल्थ केयर एंड हाई टैक और द इनफॉमेशन टेक्नोलॉजी तो अब इस पर्टिकुलर हेडिंग एडर जो है वो आपने जो चीज़ देखनी है जनलाइज करनी है वो जनलाइज करनी है के जो हेल्थ केयर सेक्टर में और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जैसे यहाँ पर उन्होंने डेल की बात की है ठीक है इन्होंने जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट स्टडीज की को जो है वो किस तरह से जो है वो इस्तेमाल किया है ठीक है विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रैटजीज दे हैव एडोप्टेड एंड वाई ठीक है सो दिस इज अ टास्क दैट यू नीड टू डू वैन यू आर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर रीडिंग रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द रीडिंग आई हैव नॉट हाईलाइटेड मच ऑफ द टेक्स्ट एंड आई हैव लेफ्ट इट टू यू

<स्थाँ> इसके बाद जो है ये वही चीज है कि जो कि मैंने आपसे पहले बयान की थी ठीक है डो नॉट स्ट्रगल स्ट्रगल का मतलब जो है वही होता है कि एक ही वक्त में जो है वो आप जो है वो त, द, 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 दो दो चीजें हैं ठीक है उनके ऊपर जो है वो सिमिलर टाइप का फोकस आप ना करें ठीक है कहने का मतलब जो है वो ये है कि आपके पास दो नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं कि जो कि मैंने जो है, आपके सामने बयान किए हैं एक्सप्लेन किए हैं तो वही कहता है जनाब कि दोनों नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर जो है वो एक ही ज्यादा फोकस जो है करने की जरूरत नहीं है ठीक है

पीपल नीड इंसेंटिव टू पार्टिसिपेट इन द नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस अच्छा ये वही चीज है कि जो कि अभी जो का जो केस हम डिस्कस करेंगे उसमें भी हाईलाइट की गई है ठीक है तो यहाँ पर वो बता रहा है कि जनाब ऐसा नहीं है कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आप बना दें और उसके बाद जो है जो नॉलेज रिपोर्जिटी की हमने बात की थी ठीक है जिसमें जो है नॉलेज जो है कैप्चर भी होती रहेगी रहे यूज भी होती रहेगी नीड टू प्रोवाइड द इंसेंटिव ठीक है अच्छा ये इंसेंटिव जो है ये आ, कुछ तो हमने बात कर ली थी कि जी नॉलेज सीकर जो है ठीक है वो कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से नॉलेज सीकर जो है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करता है ठीक है जैसे ऑफ सो ऑन था जो हमने लास्ट रीडिंग में बात की यहां पे जो है हम बात करनी है कि जनाब के जो नॉलेज प्रोवाइडर है या जो नॉलेज होल्डर है ठीक है उसको कम ने कौन से इंसेंटिव देने कि जिसकी वजह से जो है वो बेसिकली जो, जो है वो उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो वो प्रोपेल्ड हो कि जनाब के मैंने जो है नॉलेज डिपॉजिट के अंदर जो एडिशन करना है क्योंकि अगर नॉलेज डिपोजिटी के अंदर जो है कंटिन्यूस एडिशन ना हो रिमेंबर

कि पहली चीज जो है वो ये है कि ये आपकी कंपनी के स्ट्रेटजी से मैच होनी चाहिए मिसाल के तौर पर जो है अगर आपकी कंपनी में जो बहुत सारी जो नॉलेज है ठीक है वो जो है ठीक है इट इज तो यहाँ पर जो है वो आपको बहुत ज्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत जो है वो नहीं है क्योंकि यू विल नॉट द नॉलेज द नॉलेज विल But if most of the knowledge in your organization is explicit, that is the information, the knowledge that can be easily codified and stored in a knowledge repository, then you will need to invest heavily in the information technology depending on the size of your organization. If your organization is big, you will need sophisticated information technology system, you will need more powerful computers. Okay? In order to actually codify and store the information, इसके बाद जनाब चूजिंगी इसमें मैंने आपको बार बार आपसे वही बात कर रहा हूँ जनाब के आप जब भी कोई स्ट्रेटी जो है चूज करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि जनाब आप नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटी और अपनी जो कम्पटिटिव स्ट्रेटी है ठीक है उसके दरमियान जो है वो मैच क्रिएट करें अगर वो मैच जो है अगर आप क्रिएट नहीं करते तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है इट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू मच बेनिफिट

जो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो नॉलेज जनरेट कर रहे हैं दिस नॉलेज मस्ट बी कम्बाइंड एट वन प्लेस द टॉप मैनेजमेंट कैन रियली अंडरस्टैंड जना नॉलेज डिफरेंट बेसिकली जो डिपार्टमेंट्स है या जो डिफरेंट ए जनरेट हो रही है जब ये कम्बाइन की जाती है ठीक है सो दिस कैन दिस कम्बाइंड नॉलेज प्रोवाइड मी सम न्यू नॉलेज ठीक है मिसाल के तौर पर जो है वो हम ये कहते हैं कि के जनाच आर के, जो, जो है ठीक है एच आर से जो है हमारे पास नॉलेज जनरेट होती है कि जनाब के हम जो है वो लोगों को जो है वो किस तरह क्या क्या कम्पनसेशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं मिसाल के तौर तो पर हो सकता है कि हम जनाब लोगों को जो है बड़ा लैबिश कम्पनेशन दे रहे हैं नई नई गाड़ियाँ दे रहे हैं और वो जनाब घर भी दे रहे हैं एंड सो so ऑन ठीक है तो एच आर की हद तक तो जो है चले ठीक है ये एक नॉलेज मिल रही है लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फाइनेंस से जो है नॉलेज आती है कि जना वी आर एक्चुअली स्पेंडिंग अ लॉट मोर ऑन आवर ह्यूमन रिसोर्सेज देन वी कैन अफोर्ड ठीक है अब अगर ये एच के प्रोसेस से जो नॉलेज जनरेट हुई है और फाइनेंस के डिपार्टमेंट से नॉलेज जनरेट हुई है अगर मैं उसको मिलाऊँ फाइनेंस के डिपार्टमेंट से मुझे नॉलेज मिली है कि जनाब हमारे जो है फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसेस के हैं रेवेन्यूज़ के हैं प्रॉफिट के हैं बॉटम लाइन के हैं और मुझे जो है वो एच से जो नॉलेज मिली है वो ये कि जनाब कि हम जो है वो अपने जो जो एम्प्लॉज हैं उनको जो है कंपनसेशन में जो है वो कितना मतलब कितनी मॉनिटरी वैल्यू जो है वो दे रहे हैं ठीक है तो बाय कंपेयरिंग द टू फिगर्स फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड द द कंपनसेशन कंपनसेशन फिगर फ्रॉम द एच डिपार्टमेंट आई मे कम अप विद न्यू नॉलेज के यार के हम अगर हमारी जो ऑर्गनाइजेशन है हमारी जो है लिए अपनी औकात से कहीं ज्यादा जो है को जो है खर्च कर रही है जो कि हमको खर्च नहीं करना चाहिए uh, के जनाब के किस तरह से जो है ये जो कम्पनसेशन है इस कम्पनसेशन को जो है वो मैं uh, बेसिकली जो है वो ऐसे लेवल पर ला सकता हूँ कि जहाँ पर जो है ये मेरी जो बॉटम लाइन है बॉटम लाइन जो है बहुत ज़्यादा हिट भी ना हो और मेरे जो लोग हैं वो भी जो है वो वेल कम्पनड हैं ठीक है वेल कम्पनसेटेड एक अलग चीज होती है और ओवर कम्पनसेटेड जो है वो एक अलग चीज है ठीक है ठीक है जी सो दीज आर ऑल दी इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ दिस रीडिंग ठीक है सो गो थ्रू बोथ ऑफ दीज रीडिंग ठीक है एंड ऑल दी हाईलाइटेड पार्ट एंड क्वेश्चन दैट आई हैव रेज ड्यूरिंग द डिस्कशन ठीक है now once uh, we have gone through uh, both the readings now it's time for us to uh, go through Uh, the discussion of the case study, and the case study is the Simmons uh, ShareNet. So let